Hello students, welcome back to our computer session. Today we are going to continue our chapter number 5, that is formatting of text in Word 2016. Okay, so now we will start a topic, subtopic. We will continue with this subtopic, that is making text bold, italic or underline. क्या करना है? Text कैसे bold दिखे, italic दिखे, okay? And underline, right? So where it is? It in the home page. Here you can see that bold, italic, and underline. So one by one, I will give you information. Okay. First, you have to select the text. Okay, select the sentence. I have selected. Okay, let me do. This is the original one which I have write. In the second line, I will do. I will show you the difference. This I what I have selected it. Okay. Then I will click on the bold. ये bold है. Okay. So you can see that the original is like this. And if I do the bold, it is highlighted. Like आपके question paper में आप देखोगे, the question are being highlighted is in bold letters. Okay. So that you can identify that this is the question, okay, or this is the question number. Okay, now next, same, you have to take a sentence, then click on the italic, right? See the difference? Normal, bold, italic. Okay, it is mostly like a italic text. Okay, then third one is underline. Underline क्या हुआ? ये underline हो गया. Okay, so three type of we know, bold, italic and underline. Okay, आप normal देखो, we are writing using like this. So formatting हमें करना है. कुछ headings को हम bold लिखेंगे, कुछ को italic लिखेंगे, कुछ underline करेंगे, and we can do also bold and underline also. See, मैं इसे बोल्ड भी कर सकती हूँ, अंडरलाइन है ना, तो ये बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट. ओके, सो सो बेसिकली बोल्ड एंड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है? ऑप्शन हैव टू स्टेट, इट ऑन एंड ऑफ. अगर आप इसे सपोज मैंने बोल्ड ऑन रखा, ओके, और मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ. I will continue next line. मेरा bold यहाँ पे I have on it, like I am eating pizza. तो वो सारे bold letters में आएंगे. Okay, bold में off कर दूंगी तो normal I am good. Okay, अगर आप जो भी font को ऑन करोगे तो वो ऑन ही रहेगी. ओके, सेम एज यूअर हियर, इटैलिक को मैंने ऑन, अगर मैं यहाँ पे इटैलिक को मैं ऑन कर दूँगी तो यहाँ पे मैं इटैलिक लिखना हो जाएगा. आई हैव अ पेट डॉग, राइट? सो इफ आई वांट टू हाईलाइट इट, आई विल मेक अ चूज इट. मुझे हाईलाइट करना है, ओके, इटैलिक है पर मुझे हाईलाइट करना है, बोल्ड लिखना है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. ओके, नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट. Now we will know about applying text effect subtopic. Okay, such as उसमें क्या क्या आएगा? शेडो इफेक्ट आएगा, ग्लो इफेक्ट आएगा. ओके, टू मेक द प्रेजेंटेशन एट्रैक्टिव. ओके, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. ये मैंने सिलेक्ट किया, अब कहाँ है वो? हियर, टेक्स्ट इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइपोग्राफी. मैंने ये सिलेक्ट किया,
देखो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्ट, ग्लो, नंबर स्टाइल, ओके। सो आई विल डू इट यू, आई डू इट फॉर यू, ओके। फर्स्ट मैंने यहाँ क्या किया, ये सिलेक्ट किया डाउन बटन, मैंने फर्स्ट वाला लिया, ओके। देन सेकेंड आई नाइट चूज ड्रॉप डाउन आउटलाइन, यू कैन चूज कलर, टेक ब्लू कलर, ओके। ये आउटलाइन है ब्लू कलर की हो गई। देन नेक्स्ट इज सिलेक्टेड, ड्रॉप डाउन द अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट और टाइप टाइपोग्राफी शेडो, ओके। वी विल डू दिस वन रिफ्लेक्शन, सी ऐसा देखा है ना पिक्चर्स में, पिक्चर्स के नाम होती है सीरियल नाम, तो ऐसे इफेक्ट होता है राइट, इट्स कॉल्ड शेडो पोर्शन, ओके। नाउ वी विल सिलेक्ट अनदर, वी विल टेक अ ग्लू, दिस वन ग्लू, ओके। See, glowing. Okay, this many type of. If you choose one by one, you can see the effect of typography. Okay. So students, this is for all today. In next session, what we will do? We will do about applying bullet numbering. ओके जैसे हम क्वेश्चन पेपर में 1, 2, 3 नंबर्स देते हैं या कुछ पॉइंट या एरो देते हैं, वो कैसे करते हैं, वी विल आई विल लेट यू नो, एंड चेंजिंग अलाइनमेंट, दिस इज फॉर ऑल टुडे। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द बुक वंस फॉर योर रेफरेंस, ओके। थैंक यू एवरीवन।